बताइए भाई कि पिज्जा खाना किसे पसंद है। अब नॉर्मल सी चीज़ है कि पिज्जा खाना हर कोई पसंद करता है, और पसंद हो भी क्यों ना, क्योंकि इसका स्वाद ही ऐसा होता है जिसे तो हम खुद ही इतना पसंद करते हैं। अब खाना तो हर कोई पसंद करता है, लेकिन जब बात आती है इसको बनाने की तो इसमें हर कोई पीछे रह जाता है, क्योंकि पिज्जा तैयार करने में बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन मेरे भाई, हमारे रहते हुए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पिज्जा तैयार करने के लिए हम ऐसी इंजीनियस मशीनें लेकर आए हैं जो कि कुछ ही मिनटों में आपके मनपसंद पिज्जा बनाकर तैयार कर देती हैं। अब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस उठाइए और खाना शुरू कर दीजिए। इसके साथ ही हमारे भाई जो कि पिज्जा या फिर होटल का बिजनेस करना चाहते हैं, उनके लिए हम एक से बढ़कर एक एडवांस मशीनें लेकर आए हैं जो कि पिज्जा बनाने के लिए बहुत ही फास्ट वर्क करती है। वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि आज की हमारी ये वीडियो काफ़ी स्पेशल है जो कि आपके नॉलेज के साथ बिजनेस को भी चार गुना स्पीड देने वाली है। लेकिन मेरे भाई, उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आप हमसे जुड़े रहें और आप तक हमेशा ऐसी ही धमाकेदार वीडियोस पहुंचती रहें। पिज्जा बनाने के लिए सबसे पहले आटा गूंथा जाता है। छोटे लेवल में इस काम को हाथों से ही कर सकते हैं, लेकिन जब बात आती है बड़े बिजनेस लेवल की तो हाथों से आटा गूंथना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसी काम को आसान करने के लिए हम यह फ्लोर मिक्सिंग मशीन लेकर आए हैं जो कि आटा गूंथने के लिए बहुत ही फास्ट वर्क करती है। इस मशीन में मैदा, शक्कर, नमक, बेकिंग पाउडर और दही डालकर ऑन कर दीजिए। उसके बाद यह मशीन मिक्स करना शुरू कर देती है। एक्चुअली इस मशीन के अंदर स्पाइरल मिक्सर लगा होता है जो कि अच्छी तरीके से आटा मिक्स कर देता है। अभी आप देख सकते हैं कि गूंथा हुआ आटा एकदम से रेडी हो चुका है। इस आटे से अलग अलग पिज्जा बनाने के लिए आटे का गोला तैयार करते हैं। बहुत सारे गोला तैयार करने में पहले जो मुश्किलें होती थी वह अब नहीं होंगी, क्योंकि इस मुश्किल भरे काम को डो डिवाइडर मशीन ने काफ़ी आसान कर दिया है। इसमें आप सिर्फ गूंथे हुए आटा को डाल दीजिए, उसके बाद इस मशीन का कमाल देखिए। इसमें राउंडर के साथ डिवाइडर का भी सिस्टम दिया गया है जो कि आटे के छोटे छोटे पीस करने के बाद गोलाकार शेप दे देती है। अभी आप देख सकते हैं कि आटे की लोई तैयार हो चुकी है। अब इसका बेलन करते हैं, लेकिन हम लड़कों में सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि हमसे बेलना आता ही नहीं है। क्यों है, बात सही कि नहीं? लेकिन मेरे भाई, मैंने पहले ही कहा है कि हमारे रहते हुए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसके लिए हम यह प्रेस मास्टर मशीन लेकर आए हैं जो कि पिज्जा का बेस तैयार करने के लिए बहुत ही बेहतरीन काम करती है। इसमें सिर्फ लोई डालकर हल्का प्रेस कर दीजिए। उसके बाद यह मशीन पतला करने के साथ इसे दोनों साइड से सेंक भी देती है, जिससे कि बेस कुछ मजबूत हो जाए। पिज्जा बेस तैयार हो जाने के बाद इस प्लेट में बटर लगाकर इसे रख देते हैं। अब इसमें चीज स्प्रेड, पिज्जा सॉस और टोमेटो सॉस वगैरह अच्छी तरीके से मिक्स करके फैला दीजिए। इसके बाद इसमें टमाटर, प्याज और शिमला मिर्च वगैरह डालकर पनीर के छोटे छोटे पीस डालते हैं, जिससे कि पिज्जा का स्वाद और भी डिलीशियस हो जाता है। यह सभी काम कंप्लीट हो जाने के बाद इसे इलेक्ट्रिक ओवन में डाल दीजिए। कुछ देर बाद जैसे ही आप ओवन खोलते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपके फेवरेट डिलीशियस पिज्जा एकदम से रेडी हो चुका है। तो फिर देरी किस चीज की है, तुरंत उठाइए और खाना शुरू कर दीजिए। लेकिन खाते समय हमारे साथ भी शेयर करिएगा, जिससे कि हमारा और आपका प्यार हमेशा बना रहे। यह इलेक्ट्रिक ओवन छोटी मशीन है, लेकिन जब बात आती है बड़े बिजनेस लेवल की तो उसमें बहुत सारे पिज्जा तैयार करना पड़ता है, तो इसके लिए कन्वेयर पिज्जा ओवन बहुत ही शानदार काम करती है। यह मशीन थोड़ी बड़ी है और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें कन्वेयर बेल्ट लगा होता है। इसके एक साइड में पिज्जा रखते जाइए, उसके बाद यह मशीन गर्म करके दूसरे साइड से आपके फेवरेट पिज्जा निकालना शुरू कर देती है।
अभी आप देख सकते हैं कि गर्मा गर्म डिलीशियस पिज्जा एकदम से रेडी हो चुके हैं। यदि आप इन मशीनों को अपने होटल में यूज करते हैं तो आपका बिजनेस 4 गुना स्पीड से चलेगा। मेरे भाई, आपके लिए इन सभी मशीन वीडियोस को तैयार करने में हमें बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। अब देखिए, वीडियो पसंद आ ही गई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आप हमसे जुड़े रहें और आप तक हमेशा ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पहुंचती रहे। स्क्रीन में आपको दो और वीडियो दिख रही हैं जो कि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हैं, इन्हें आप ज़रूर देखिए।